हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा ज्वेलरी व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली मिंत्रा से मैंने कुछ ज्वेलरीज परचेज की थी, तो आज मैं उन्हीं का रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो ज्वेलरीज है गाइस, ये देखिए, ये पेयर्सी ब्रांड से हैं और बाकी जो दो मैंने परचेज की हैं ये रुबान से हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन ज्वेलरीज के बारे में देखते हैं। पहले बात करते हैं पेयर्सी की इस ज्वेलरी की, जो कि एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी है और इसको मैंने एक वेडिंग में पहना भी था। काफ़ी अच्छा लुक आया था इसका। और गाइस, अगर इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे से ये आपको पैक करके देते हैं, जिससे ये जो ज्वेलरी है आप तक सेफली पहुंच सके। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसको हटाया है अंदर। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह की पॉलीथीन में रैप है। और ये देखिए, इसको मैं आप ये देखिए अंदर भी, ये देखिए इस तरह से है पॉलीथीन में ही। ये देखिए गाइस, ये यहाँ पे ये पेयर्सी का टैग है। एक्चुअली मैंने पहनी थी तो मैंने ये इसको हटाया ही हुआ था। तो ये देखिए गाइस, बहुत ही अच्छी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी है। इसका वर्क भी काफी अच्छा है। ये देखिए, इसके इयररिंग्स भी बहुत अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात गाइस ये है कि ये बहुत ही लाइट वेटेड है, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा आपको पहनने में। तो गाइस, इस ब्यूटीफुल सी ज्वेलरी का जो प्राइस है वो है 943 रुपीज़, जो कि काफ़ी रिजनेबल है, क्योंकि ये ज्वेलरी वाकई में बहुत अच्छी है। इसको हम लोग कह सकते हैं मॉडर्न ज्वेलरी, मॉडर्न ट्रेडिशनल ज्वेलरी। देखिए गाइस, अब इसको मैं आपको भी वेयर करके दिखाती हूँ इसका लुक कैसा आएगा। वैसे तो मैंने ये टॉप पहन रखा है, लेकिन अगर आप इसको लहंगे पे या साड़ी वगैरह पे पहनेंगे तो इसका प्रॉपर लुक आएगा। बट फिर भी देखिए गाइस, मैं इसको आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी लग रही है ना। बहुत 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 ही प्यारा इसका लुक आया था जब मैंने इसको एक वेडिंग पार्टी में पहना था, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया था। अब ये इसकी इयररिंग्स भी देखिए गाइस, आप चाहे तो पूरा सेट ना भी पहनना चाहें छोटी मोटी पार्टीज़ में, तो आप सिर्फ ये इयररिंग्स भी कैरी कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए गाइस, अभी तो गाइस इसको मैंने ये टॉप पे पहना हुआ है, बट जब आप इसको साड़ी पे, लहंगे पे या सूट पे पहनते हैं तो बहुत 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 ही अच्छा लुक आता है इसका। आपकी ब्यूटी को ये और इन्हेंस कर देता है। तो अगर आप चाहें इसको परचेज करना तो आप परचेज कर सकते हैं। मैं इसका जो परचेज लिंक है इस ज्वेलरी का, वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से दे दूंगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट ज्वेलरी की। तो नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर की थी वो रुबान से थी, और ये चांद बाली है गाइस। ये देखिए, गोल्ड प्लेटेड चांद बाली इसको बोलते हैं। ये देखिए, और ये भी काफ़ी अच्छी लगी थी दोस्तों। इसको वेयर करने में भी काफ़ी अच्छा लुक आता है। अगर आप इसको सूट वगैरह पे या साड़ी पे या लहंगे पे कैरी करेंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा गाइस। अभी मैं आपको इसको कैरी करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये इयरिंग भी काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली पर्सनली मुझे इस तरह की चांद वाली बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया था। और इसका जो प्राइस है वो है 486 रुपीज़। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर परचेज़ करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट ज्वेलरी की। और ये ज्वेलरी कॉम्बो है एक्चुअली, और ये भी रुमान से ही है। और ये देखिए इनकी पैकेजिंग, देखिए गाइस, इसमें 6 पेयर हैं। ये कॉम्बो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें हर तरह की इयररिंग्स हैं। मतलब आप अगर जीन्स टॉप पे कुछ भी कैरी करना चाहें तो स्टड्स वगैरह कैरी कर सकते हैं, सूट के लिए भी है। इनफैक्ट साड़ी वगैरह पे भी आप इन सब तरह की जो ये बाली टाइप की इयररिंग्स हैं इनको कैरी कर सकते हैं। और इन सबको मैंने कैरी करके देखा है गाइस, बहुत ही अच्छा लुक आता है इसको पहनने के बाद। अभी देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये ब्लैक स्टड दिखाती हूँ कैरी करके। ये देखिए, मतलब ये बहुत बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है कि कान में डालें और पता भी ना चले। ये देखिए, अभी ये देखिए मैंने टॉप वेयर करा हुआ है इस पर। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये जो सेकंड वाला है, ये पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है। ये जरकन स्टर्ट है गाइस। और दोस्तों, इसका जो
एमआरपी है, मतलब इस कॉम्बो की, वो है 368 रुपीज़ की। और इसका भी जो लिंक है मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जो परचेज लिंक है। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है ना। और चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इयररिंग। ये है ये गोल्ड स्टड, इसको मैंने अभी तक कैरी नहीं किया है, सॉरी, ये आज मैं फर्स्ट टाइम इसको कैरी कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ये देखिए ये भी अच्छा लग रहा है। देखिए गाइस ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं ये वाला, ये पर्ल ड्रॉप इयररिंग है। ये देखिए इस तरह से है, और अब इसको मैं आपको कैरी करके दिखाती हूँ गाइस। ये भी काफ़ी अच्छा लगता है जींस टॉप वगैरह पे, या आप इसको सूट पे भी पहन सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ओके अब वो ना फिफ्थ इयररिंग ट्राई करते हैं। इसको मैंने बहुत बार पहना है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। ओके अब ये लास्ट वाला इयररिंग देखते हैं, ये भी काफी अच्छा है गाइस। तो ये देखिए दोस्तों अच्छा लग रहा है ना। तो इस इयररिंग को सूट वगैरह पे भी पहन सकते हैं, टॉप पे भी देखिए मैंने पहना है, कितना अच्छा लग रहा है। और गाइस अगर इन सारी ही ज्वेलरीज की फिनिशिंग की बात की जाए, चाहे ये सेट हो या ये जान वाली हो या फिर ये कॉम्बो ही क्यों ना हो, इनकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है गाइस। ये देखिए बहुत ही अच्छा है, पीछे भी ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ऐसा हो कि चुभने वाला हो। ये देखिए बहुत बहुत सही है ये। सो आई होप गाइस कि आपको मेरा ये ज्वेलरी ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। और इनमें से अगर आपको कोई भी ज्वेलरी पसंद आई हो तो इन सभी का परचेज लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है या पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं मेरे वो सब आप तक पहुँच सके। ओके गाइज बाय। Thank you.